हेलो फ्रेंड, हिमाचल ज्ञान भंडार में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आज न्यू एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है, तो आज हम उस बारे में बात करेंगे कि इसकी ओपनिंग जो डेट है, जो आपका ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप होगा उसकी ऑनलाइन डेट कब से स्टार्ट है और क्लोजिंग डेट क्या है, और कौन कौन सी फील्ड के लिए ये पोस्टें होंगी, और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है, ये सभी कुछ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपकी ऑनलाइन जो आपकी सबमिशन की डेट है वो 6 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगी। आप 6 दिसंबर 2021 से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और जो क्लोजिंग डेट है इसकी वो है आपकी 5 जनवरी 2022, यानी कि नेक्स्ट मंथ आपके 5 जनवरी तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप फॉर्म को इस साइट से जो यहाँ पर लिखी हुई है https://hpssb.hp.government.in, इस साइट से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं 6 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की और एक्सपीरियंस एक्सेट्रा की। तो सबसे पहले बात करते हैं एज की। तो एज इन्होंने एज लिमिट रखी हुई है, मिनिमम आपकी 18 ईयर्स आप कंप्लीट होने चाहिए और मैक्सिमम आप 45 ईयर्स के कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद ये जो आपके नोट लिखे हुए हैं इसको आप पढ़ सकते हैं खुद भी। उसके बाद हम बात करते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट की, यानी कि कहाँ कहाँ आपकी पोस्ट है, कितनी पोस्टें हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टें हैं। तो सबसे पहले आपकी फ़र्स्ट पोस्ट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की ग्रेड 2 की, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगी ये, और इसका पोस्ट कोड है 926, और इसमें नंबर ऑफ पोस्टें आपकी है टोटल 10 है, जर्नल की 5 पोस्टें हैं, जर्नल EWS की 1 पोस्टें हैं, SC की 1 पोस्ट है, OBC की 2 पोस्टें हैं, OBC BPL की 1 पोस्टें हैं। उसके बाद सेकंड की बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की। इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टिगेटर की आपकी 3 पोस्टें हैं, टोटल 3 पोस्टें हैं, वो है आपकी जर्नल की, और इसका पोस्ट कोड है 927। उसके बाद थर्ड नंबर में है वेरियस डिपार्टमेंट या फिर बोर्ड या फिर कॉरपोरेशन में आपकी है स्टेनोटाइपिस्ट। स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है, इसका पोस्ट कोड है 928। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले हिमाचल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कांगड़ा में आपकी 1 पोस्ट है जर्नल की, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आपकी टोटल 46 पोस्टें हैं स्टेनोटाइपिस्ट की, जिसमें कि जर्नल की 12 है, जर्नल EWS की 7 है, उसके बाद SC की 10 है, SC की आपकी 1 है, ST की आपकी 2 है, OBC की आपकी 10 है, इस तरह से आपकी टोटल 46 पोस्टें हैं। टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो आपका सुंदरनगर में है उसमें टोटल आपकी 1 पोस्ट है। उसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन में आपकी टोटल 4 पोस्टें हैं, जो आपका डिप्टी कमिश्नर लाहौल स्पीति है उसमें टोटल 2 पोस्टें हैं ST की। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में आपकी 1 पोस्ट है, HPPWD में आपकी टोटल 9 पोस्टें हैं, HP स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड में आपकी 1 पोस्ट है, हिमाचल एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेज में आपकी टोटल 1 पोस्ट है। तो ग्रैंड टोटल आपका इसका 66 स्टेनोटाइपिस्ट की आपके पोस्ट है। उसके बाद बात करते हैं आयुष विभाग लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की, आपकी 1 पोस्ट है, SC की 929 इसका पोस्ट कोड है। नेक्स्ट देखते हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जो आपका फील्ड इन्वेस्टिगेटर होगा उसकी टोटल 1 पोस्ट है, जर्नल की है, पोस्ट कोड आपका 930 है। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक एंड स्टैटिक्स जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की, टोटल आपकी 1 पोस्ट है जर्नल की। नेक्स्ट बात करते हैं वेरियस बोर्ड कॉरपोरेशन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOA की आपकी पोस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं HPSEBL में आपकी टोटल 74 पोस्ट है, जो कि आपकी जर्नल की 28 है, जर्नल EWS की 8 है, तो इस तरह से जर्नल बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है, SC की 16 पोस्टें हैं, SC BPL की 4 पोस्टें हैं, ST की 3 पोस्टें हैं, OBC की 11 और OBC BPL की 3 पोस्टें हैं। HP पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की आपकी टोटल 4 पोस्टें हैं, इस तरह से आपकी ग्रैंड टोटल 78 आपकी JOA की पोस्टें हैं।
इसका पोस्ट कोड 932 है। उसके बाद अगली बात करते हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में स्टाफ नर्स की। आपकी टोटल 85 पोस्टें हैं। इसका पोस्ट कोड 933 है और ये आपने देख लेना है जर्नल की कितनी है, जर्नल EWS की 9 है, इस तरह से चेक कर लेनी है आपने। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रेडियोग्राफर की। आपकी टोटल 4 पोस्टें हैं और ये आपका पोस्ट कोड है 934। नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में लेबोरेटरी असिस्टेंट की। आपकी टोटल 16 पोस्टें हैं और ये आपने कैटेगरी वाइज देख लेनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की। आपकी टोटल 18 पोस्टें हैं। इसका पोस्ट कोड 936 है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो आपका शिमला में है उसकी आपकी सैनिटरी इंस्पेक्टर की आपकी टोटल 6 पोस्टें हैं। कैटेगरी वाइज भी आपने यहाँ से खुद देख लेनी है। नेक्स्ट है प्रिजंस एंड करेक्शन सर्विस में जूनियर टेक्नीशियंस की आपकी जो आपकी टोटल 3 पोस्टें हैं। इसका पोस्ट कोड 938 है। वेरियस डिपार्टमेंट बोर्ड्स कॉरपोरेशन में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की आपकी इसका पोस्ट कोड 939 है। इसमें आपकी इलेक्शंस में आपकी टोटल 7 पोस्टें हैं। HPSCBL में आपकी टोटल 148 पोस्टें हैं। जर्नल की 52 है, जर्नल EWS की 19 है, जर्नल बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2 है, SC की 30 है, SCBPL की 6 है, SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है, ST की आपकी 6 है, STBPL की 2 है, OBC की 23 है, OBCBPL की आपकी 6 है और OBC बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है। जो आपका DC लाहौल स्पीति है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, उसमें आपकी टोटल 3 पोस्टें हैं। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आपकी 25 पोस्टें हैं। प्रोसिक्यूशन में आपकी 2 पोस्टें हैं। हिमाचल एकेडमी आर्ट एंड कल्चर लैंग्वेज में 3 पोस्टें हैं। रूरल डिपार्टमेंट में आपकी 8 पोस्टें हैं। और आपकी अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी जो आपकी HP एट नियर चौक मंडी में टोटल 4 पोस्टें हैं। इस तरह से ग्रैंड टोटल इसका 200 आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्टें हैं। इसका आपका पोस्ट कोड है 939। नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रीज में आपकी जो आपका असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर है, इसकी टोटल 2 पोस्टें हैं। इसका पोस्ट कोड 940 है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं HPSCBL में जूनियर जो ड्राफ्ट्समैन है इलेक्ट्रिकल, उसकी आपकी टोटल 3 पोस्टें हैं। जर्नल स्पोर्ट्स पर्सन की 3 है, जिसमें कि आपके कबड्डी के 2 और वॉलीबॉल्स की 1। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आपकी टोटल 3 पोस्टें हैं जर्नल स्पोर्ट्स पर्सन की। इसका पोस्ट कोड है 942। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की ग्रेड 2 की टोटल आपकी 2 पोस्टें हैं। ये भी जर्नल स्पोर्ट्स पर्सन की है। इसका पोस्ट कोड है 943। नेक्स्ट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की 2 पोस्टें हैं। ये पोस्टें भी जर्नल स्पोर्ट्स पर्सन की है। टोटल इसकी 2 पोस्टें हैं। इसका पोस्ट कोड है 944। नेक्स्ट है आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लेबोरेटरी असिस्टेंट, 945 पोस्ट कोड है। स्पोर्ट्स पर्सन की है ये भी। टोटल 6 पोस्टें हैं। नेक्स्ट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में रेडियोग्राफर की पोस्ट कोड 946 है। जर्नल की पोस्टें हैं, टोटल 3 है। स्पोर्ट्स पर्सन है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आपकी टोटल 6 पोस्टें हैं। ये पोस्ट कोड 947 है। जर्नल EWS की 3 है, OBC की 2 है और जर्नल बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 पोस्टें हैं। HPPWD में आपकी जूनियर टेक्नीशियंस की इलेक्ट्रिकल की इसका पोस्ट कोड 948 है। इसकी टोटल 12 पोस्टें हैं। HIMFED में आपकी अकाउंटेंट की टोटल 4 पोस्टें हैं। जर्नल की इसका पोस्ट कोड 949 है। हिमाचल प्रदेश एकेडमी जो हम आपका हिमाचल एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेज है, उसमें लाइब्रेरियन की 1 पोस्टें है। पोस्ट कोड 950 है। पोस्ट कोड 951 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन धर्मशाला में आपकी अकाउंटेंट की 1 पोस्टें है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन धर्मशाला में जूनियर अकाउंटेंट की टोटल 2 पोस्टें हैं। पोस्ट कोड 952। पोस्ट कोड 953 इंडस्ट्रीज में माइनिंग इंस्पेक्टर की आपकी टोटल 4 पोस्टें हैं। नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आपकी जो आपकी 9454 है पोस्ट कोड, उसकी टोटल 7 पोस्टें हैं। HP स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में आपकी बॉयलर ऑपरेटर की आपकी टोटल 3 पोस्टें हैं।
मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मेडिकल सोशल वर्कर की आपकी टोटल एक पोस्ट है। अब बात करते हैं मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की एज़ पर R&P रूल्स के हिसाब से। तो 9 to 6 की बात की जाए, जो आपका पोस्ट को 9 to 6 है उसमें आपकी 10+2 होनी चाहिए साइंस से कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। उसके साथ साथ BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी होनी चाहिए, BSc मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, इस तरह से आपने यहाँ पर पढ़ लेना है। उसके साथ साथ शुड बी रजिस्टर्ड विद द HP पैरा मेडिकल काउंसिल फॉर द अबव क्वालिफिकेशन, और नोट को भी आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट को 9 to 7 की। तो इसमें भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में या फिर इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और प्रोवाइडेड डैट ही शुड हैव पास्ड, वो पास होना चाहिए मैट्रिक 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन द हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट को 9 to 8 की। इसके लिए आप 10+2 होने चाहिए और साथ ही साथ आपको जो आपका स्पीड होती है टाइपिंग टेस्ट की वो भी आपकी होनी चाहिए दोनों ही लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, एट द टाइम ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट के टाइम में। इंग्लिश की भी लिखी हुई है और हिंदी की भी आपकी लिखी हुई है। उसके बाद बात करते हैं 9 to 9 पोस्ट कोड की लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के लिए। आपकी प्लस टू होनी चाहिए साइंस से कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और उसके साथ साथ आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में किसी भी इंस्टीट्यूशन से रिकॉग्नाइज्ड बाय द HP सेंट्रल गवर्नमेंट से, या तो आप BSc डिग्री होनी चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ साथ मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द हिमाचल प्रदेश पैरा मेडिकल काउंसिल से। नेक्स्ट बात करते हैं फील्ड इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट को 930। इसके लिए आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस से या फिर आर्ट से विद इकोनॉमिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथमेटिक्स से एज वन ऑफ द आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स या फिर इसके कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और ये तो आपको पता ही है कि आप 10th और +2 पास होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश से, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये हर पोस्टों के लिए आप 10th और +2 आप हिमाचल प्रदेश बोर्ड से ही आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की, आप प्लस टू होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपको जो आपका टाइपिंग जो होती है उसमें आपकी दोनों लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी में इनिशियल रिक्रूटमेंट के टाइम में स्पीड यहाँ पर लिखी हुई है इन शॉर्ट हैंड में और स्पीड इन टाइपिंग ऑन कंप्यूटर में, तो ये दोनों भी यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद बात करते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट को 932 की। BCom होने चाहिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर नॉट इसके साथ कैंडिडेट हैविंग MCom क्वालिफिकेशन मस्ट हैव पास्ड BCom एट ग्रेजुएशन लेवल में, और ये तो आपको पता ही है कि आप 10th और +2 हिमाचल प्रदेश के बोर्ड से ही होनी चाहिए आपकी। उसके बाद स्टाफ नर्स की बात करते हैं 933 पोस्ट कोड की। तो आप प्लस टू होनी चाहिए साइंस में, आपकी प्लस टू होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और उसके साथ साथ आप क्वालिफाइड होनी चाहिए ए ग्रेड नर्स डिप्लोमा इन GNM, और या तो आप BSc नर्सिंग होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और नोट तो आपको पता ही है कि आप 10th और +2 हिमाचल प्रदेश स्टेट बोर्ड से आप होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियोग्राफर की। तो आप प्लस टू होने चाहिए साइंस से, उसके साथ साथ आप BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोस या फिर रेडियो थेरेपी, BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे रेडियो डायग्नोस, इस तरह से आपने यहाँ पर पढ़ लेनी है, और उसके साथ साथ आप रजिस्टर्ड होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश पैरा मेडिकल काउंसिल शिमला से। नेक्स्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट 935। प्लस टू आपकी साइंस में होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और उसके साथ साथ 10th और +2 तो आपको पता ही है कि आप हिमाचल प्रदेश से आप पढ़े होने चाहिए। 936 की बात करते हैं पोस्ट कोड ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की। तो आप प्लस टू होनी चाहिए साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में 50% आपके मार्क्स होने चाहिए उसमें, और उसके साथ साथ मस्ट हैव पास्ड OTE
ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम ए रेकोगनाइज यूनिवर्सिटी बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या तो आप बीएससी डिग्री होनी चाहिए मेडिकल टेक्नोलॉजी में फ्रॉम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री रेकोगनाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट और शुड बी रजिस्टर्ड इन विद एचपी पैरामेडिकल काउंसिल। नेक्स्ट बात करते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट कोड 937 में, ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन सैनिटेशन फ्रॉम रेकोगनाइज इंस्टीट्यूट। बाद बात करते हैं पोस्ट कोड 938 की, तो आप प्लस टू होनी चाहिए किसी भी रेकोगनाइज बोर्ड से और आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का फ्रॉम ए इंस्टीट्यूशन रेकोगनाइज बाय द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखते हैं पोस्ट कोड 939 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, आप प्लस टू होनी चाहिए किसी भी रेकोगनाइज बोर्ड से और उसके साथ साथ या तो आप मेट्रिकुलेशन यानी कि टेंथ होनी चाहिए किसी भी बोर्ड के साथ विद 1 या 2 ईयर का आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सेक्टर में। उसके साथ साथ कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और या तो आपकी 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में। नेक्स्ट बात करते हैं 940 असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की, आप प्लस टू होनी चाहिए विद साइंस में फ्रॉम द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और एनी अदर इंस्टीट्यूशन रेकोगनाइज बाई द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट कोड 941 की, जूनियर ड्राफ्ट्समैन की इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप की या फिर आर्किटेक्ट की कोई भी रेकोगनाइज बोर्ड। उसके साथ साथ कैंडिडेट शुड बी एटलीस्ट अ कैटेगरी 4 स्पोर्ट्समैन में होना चाहिए, वो हु इज़ मेडल विनर होना चाहिए ऑल द या फिर ऑल इंडिया इंटर वर्सिटी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में या फिर मेडल्स विनर होना चाहिए इन ऑल इंडिया नेशनल स्कूल गेम्स या फिर मेडल विनर होना चाहिए रिकॉग्नाइज जूनियर नेशनल जो आपका जूनियर नेशनल स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप होता है या तो कबड्डी में या फिर वॉलीबॉल में। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट कोड 942 के लिए, इसके लिए आपका प्लस टू होना चाहिए साइंस से या फिर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का किसी भी रेकोगनाइज यूनिवर्सिटी से। और बात करते हैं जैसे कि ये पोस्ट है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, तो इसके लिए आपके पास कोई भी कैटेगरी 4 स्पोर्ट्समैन होने चाहिए आप, जैसे कि आपका मेडल होना चाहिए मेडल विनर होने चाहिए आप ऑल इंडिया इंटर वर्सिटी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में या फिर मेडल विनर होने चाहिए आप ऑल इंडिया नेशनल स्कूल गेम्स में या फिर मेडल विनर होने चाहिए रिकॉग्नाइज जूनियर नेशनल स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप में इनमें से किसी भी स्पोर्ट्स में, जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई है आर्चरी एथलेटिक्स या फिर जो आपका बैडमिंटन बॉल बैडमिंटन इस तरह से, इनमें से किसी में भी आप नेशनल स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप होने चाहिए मेडल विनर होने चाहिए आप। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट कोड 943 की, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की ग्रेड टू की, तो आप प्लस टू होनी चाहिए साइंस से बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी इस तरह से, और उसके साथ साथ आप रजिस्टर्ड होना चाहिए एचपी पैरा मेडिकल काउंसिल से, और उसके साथ साथ आपके पास कैंडिडेट शुड बी एटलीस्ट अ कैटेगरी 4 स्पोर्ट्समैन होना चाहिए, वो जैसे कि हमने अभी बात की मेडल विनर होना चाहिए वो किसी भी ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में मेडल विनर होना चाहिए वो किसी भी ऑल इंडिया नेशनल स्कूल गेम्स में या तो मेडल विनर होना चाहिए रिकॉग्नाइज जूनियर नेशनल स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप में इनमें से किसी भी गेम में, ये जो नीचे लिखी हुई है सेम जैसे कि हमने पहले बात की। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट कोड 944 की, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की, प्लस टू होनी चाहिए आप साइंस से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, उसके साथ साथ OTA ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए किसी भी रेकोगनाइज इंस्टीट्यूशन से या तो BSc डिग्री होनी चाहिए मेडिकल टेक्नोलॉजी में, और आप रजिस्टर्ड होनी चाहिए HP पैरा मेडिकल काउंसिल से, और जो आपका स्पोर्ट्स पर्सन की ये पोस्ट है तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है, जैसे कि आप शुड बी एटलीस्ट अ कैटेगरी 4 स्पोर्ट्समैन होने चाहिए, आप मेडल विनर होने चाहिए इनमें से किसी भी गेम में। नेक्स्ट बात करते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट की, तो आप प्लस टू होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिकॉग्नाइज बोर्ड से किसी भी, और कैंडिडेट सेल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इफ़ सी हैज़ पास्ड
ही या सी हैज़ पास्ड मैट्रिकुलेशंस और प्लस टू एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन द हिमाचल प्रदेश। उसके साथ साथ आप जैसे कि मेडल विनर होने चाहिए, जैसे कि मैंने पिछली पोस्ट के लिए बात की, उसी तरह से इसमें भी सेम क्वालिफिकेशंस है। इनमें से किसी भी गेम में आप मेडिकल मेडल विनर होनी चाहिए, नॉट मेडिकल, मेडल विनर। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट कोड 946 की, स्टेनोग्राफर की। तो आप प्लस टू होनी चाहिए साइंस से किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी या फिर इमेजिंग, या फिर बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए आपकी। और इसमें भी आप स्पोर्ट्स पर्सन की पोस्ट है तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है, सेम इसमें भी एलिजिबिलिटी है, यानी कि आप मेडल विनर होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं 947 की, स्टैटिकल असिस्टेंट की। तो आपकी बीकॉम होनी चाहिए या फिर बीएससी होनी चाहिए, बीए होनी चाहिए विद इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट्स में से। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट कोड 948 की, जूनियर टेक्नीशियंस की, ये पोस्ट है इलेक्ट्रिकल की। तो आप 10th पास होनी चाहिए और आपका सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए 2 ईयर्स का ड्यूरेशन इन इलेक्ट्रिशियन या फिर वायरमैन ट्रेड, होना चाहिए आप आईटीआई यानी होनी चाहिए आपकी। और 1 साल का आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या वायरिंग वर्क का, अंडर रजिस्टर इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं 949 की, अकाउंटेंट की। तो आप मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी बीकॉम होनी चाहिए या फिर सीए इंटर और एमबीए, या तो एमबीए होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं लाइब्रेरियंस की, पोस्ट कोड 950 के लिए। तो बीए सेकंड क्लास 50% होनी चाहिए विद सेकंड क्लास 50। बात करते हैं पोस्ट कोड 951 की, तो बीकॉम होना चाहिए आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और नॉलेज होना चाहिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट कोड 952 की, जूनियर अकाउंटेंट की। बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन विद एटलीस्ट 1 ईयर कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, और आपके पास शुड हैव अकाउंटेंट नॉलेज फॉर वर्किंग ऑन टैली सॉफ्टवेयर में आपका नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट कोड 953 की, माइनिंग इंस्पेक्टर की। तो बीएससी डिग्री होनी चाहिए साइंस में विद जियोलॉजी होनी चाहिए साथ में, रिकॉग्नाइज किसी भी यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट कोड 954 की, तो प्लस टू होनी चाहिए आप साइंस से, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास फार्मेसी का किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। पोस्ट कोड 955 की बात करते हैं बॉयलर ऑपरेटर की। तो इसके लिए आपकी जो मिनिमम 10th पास आप होने चाहिए और आपके पास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिनिमम 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेटिंग द फर्नेस ऑयल का। नेक्स्ट बात करते हैं 956 की, मेडिकल सोशल वर्कर की। तो इसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए आप सोशल साइंस से या फिर सोशोलॉजी से किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस आपने खुद पढ़ लेने हैं ये। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं, तो पार्ट वन में आपका रिटन टेस्ट होगा 85 मार्क्स का, जैसे कि यहाँ पर पोस्ट कोड 926, 927, 929, 930, 932 से लेके 936, 940, 947 टू 956 तक। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसमें आपके 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट के देखा जाए तो 120 क्वेश्चंस आपके जो भी आपके R&P रूल्स के हिसाब से आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस 120 आएंगे, और 50 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज जैसे कि जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश हो गया, करंट अफेयर के क्वेश्चन आ जाएंगे, करंट अफेयर एवरीडे साइंस के आ जाएंगे, लॉजिक क्वेश्चन आ जाएंगे, सोशल साइंस के आ जाएंगे, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, मैट्रिक स्टैंडर्ड्स के यानी कि 10th बेस या आपके 50 क्वेश्चंस ये होंगे। पोस्ट कोड 928 के लिए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसमें भी आपके 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उसमें से जर्नल इंग्लिश होंगी आपकी प्लस टू स्टैंडर्ड, और उसके साथ साथ हिंदी आपकी 10th स्टैंडर्ड होगी,
जनरल नॉलेज आपकी, जैसे कि उसमें जनरल नॉलेज हो गया हिमाचल प्रदेश का, एवरीडे साइंस, वर्ड प्रोसेसिंग, सोशल साइंस, करंट अफेयर एंड लॉजिक, इसके आपको क्वेश्चंस 170 आएंगे। उसके साथ साथ आपको स्किल टेस्ट होना चाहिए शॉर्ट हैंड इन आइदर ऑफ द लैंग्वेज, इन दो में से एक में, यानी कि हिंदी या इंग्लिश में से आपको शॉर्ट हैंड का आपको स्किल टेस्ट होगा आपका, और आपका टाइप राइटिंग होगा दोनों ही लैंग्वेज में इनिशियल रिक्रूटमेंट के लिए। तो ये आपकी उन्होंने रखी हुई है, यहाँ से आपने पढ़ लेनी है, स्पीड शॉर्ट हैंड के लिए, स्पीड इन टाइपिंग टाइप राइटिंग के लिए। पोस्ट कोड 931 की बात करते हैं तो इसमें भी आपके 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपकी जनरल इंग्लिश होगी, प्लस टू बेस और हिंदी आपकी 10th बेस होगी, जनरल नॉलेज होगी, उसके साथ साथ जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, एवरीडे साइंस, वर्ड प्रोसेसिंग, सोशल साइंस और करंट अफेयर एंड लॉजिक के आपके 170 क्वेश्चन ये आपके होंगे। स्किल टेस्ट होगा आपका, इसमें भी आपकी स्पीड शॉर्ट हैंड का होगा आपका, इनमें इंग्लिश या हिंदी में से एक का आपका होगा स्किल टेस्ट होगा। उसके साथ साथ आपका टाइप राइटिंग होगा, दोनों ही लैंग्वेज में के लिए होगा वो टाइप राइटिंग, जिसमें भी आपकी स्पीड लिखी हुई है। उसके बाद पोस्ट कोड 937 और 938 में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, ये भी इसमें भी 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि फ्रॉम सब्जेक्ट फील्ड कंसर्न से जनरल नॉलेज हो गया, इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश हो गया, करंट अफेयर हो गया, एवरीडे साइंस होगी, लॉजिक, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी 10th स्टैंडर्ड के आपके क्वेश्चंस होंगे। पोस्ट कोड 939 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 170 इसमें क्वेश्चन होंगे, इसमें आपका जो इसमें आपके कंप्यूटर साइंस हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सेक्टर, या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, जो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी लिखी होगी आरएनपी रूल के हिसाब से, इसमें आपके 120 क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज, जैसे कि जनरल नॉलेज हिमाचल प्रदेश का हो गया, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिक, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आपकी 10th स्टैंडर्ड की आएगी, तो इसके आपके 50 क्वेश्चंस होंगे। उसके साथ साथ आपका स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर का, विद मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होगी इंग्लिश और हिंदी की, तो ये आपकी स्किल टेस्ट भी होंगे। पोस्ट कोड 941 की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 120 क्वेश्चन आपके जो भी आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आर एंड पी रूल्स के हिसाब से उसके क्वेश्चंस आएंगे, और 50 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज हो गया हिमाचल प्रदेश का, करंट अफेयर हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, एवरीडे साइंस, लॉजिक, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। उसके साथ साथ आपको जो क्राइटेरिया रखा गया है सिलेक्शन का स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे कैंडिडेट कोई भी कैंडिडेट है वो शुड बी एटलीस्ट अ कैटेगरी 4 स्पोर्ट्समैन होना चाहिए, यानी कि वो मेडल विनर होना चाहिए ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में, या तो मेडल विनर होना चाहिए वो ऑल इंडिया नेशनल स्कूल गेम्स में, या फिर मेडल विनर होना चाहिए रिकॉग्नाइज जूनियर नेशनल स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप में, इन दो में से किसी एक गेम में, कबड्डी या वॉलीबॉल में। उसके बाद पोस्ट कोड 942 से लेकर 946 के लिए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इसमें 170, इसमें भी 120 क्वेश्चन आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आएंगे, और 50 क्वेश्चन सेम आपके आएंगे, जैसे कि जीके हो गया, हिंदी, जो भी हिंदी इंग्लिश हो गया, हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, ये आपके आएंगे। और उसके साथ साथ जो इसकी रखी हुई है इन्होंने स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, जैसे कि आपका मेडल विनर होना चाहिए किसी भी इंडिया इंटरवर्सिटी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में, मेडल विनर होना चाहिए ऑल इंडिया नेशनल स्कूल गेम्स में, इस तरह से होनी चाहिए आप इन में से किसी एक गेम में। अब बात करते हैं क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है जो आपके 15 मार्क्स हो गए डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, उसके बाद जब डॉक्यूमेंटेशंस की टर्न आएगी उस टाइम हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और जिसको अभी पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ सकता है।
और यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे, तो इसको भी आप यहाँ से पढ़ लें। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात करते हैं तो जर्नल की जो फ़ीस है वो 360 रुपीज़ रखी गई है। जर्नल IRDP के लिए और फिजिकल हैंडीकैप्ड, बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, बार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन HP के लिए 120 फीस रखी गई है। SC ऑफ HP, ST ऑफ HP, OBC ऑफ HP, BPL ऑफ HP, EWS BPL हो गए, उन सभी की फ़ीस भी 120 रखी हुई है। फीमेल कैंडिडेट की कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। एक्स सर्विस मैन ऑफ HP भी की भी कोई फ़ीस नहीं होगी। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आपके कोई भी क्वेरीज है पोस्टों को लेके, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उनके आंसर आपको देने की।